हेलो फ्रेंड्स, जया क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। जया क्लासेस चैनल के माध्यम से इस समय आप पढ़ रहे हैं भारतीय इतिहास, और भारतीय इतिहास के आज के इस वीडियो में आप भारतीय इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं या परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए हम देखते हैं आज के अपने इस वीडियो के पहले क्वेश्चन को। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने लंका को विजित किया था? तो लंका को विजित मींस लंका को जिसने जीता था वह कौन चोल शासक था? तो देखिए, ऑप्शन है राजराज प्रथम, दूसरा क्या है विजयालय, तीसरा है राजेंद्र प्रथम और चौथा है कुलोतुंग प्रथम। तो देखिए, इनमें से किसने लंका को जीता या लंका पर विजय प्राप्त की? तो सर्वप्रथम चोल शासक जो राजराज प्रथम आपको दिखाई दे रहा ऑप्शन नंबर ए में, तो राजराज प्रथम का जो शासन काल रहा वो 985 से 1015 के बीच रहा है, और इसने क्या किया, श्रीलंका जिसको सिंहल द्वीप भी कहा जाता था, श्रीलंका जिसको क्या कहा जाता था, सिंहल द्वीप, तो आप याद रखेंगे सिंहल द्वीप, इस पर क्या किया, चढ़ाई की, और सिंहल नरेश उस समय जो था वो था महिंद पंचम, उसको इसने पराजित किया। किसने? राजराज प्रथम ने। राजराज प्रथम ने जो है सिंहल द्वीप पर चढ़ाई किया, और जो उस समय वहां का शासक था महिंद पंचम उसको क्या किया, पराजित किया। लेकिन चोलों ने जो है अनुराधापुर के स्थान पर, जो अनुराधापुर जो उस समय राजधानी थी उसके स्थान पर पोलोन नरू को अपनी राजधानी बनाई, मतलब अनुराधापुर से हटाकर राजधानी क्या बनाई, पोलोन नरू, और इसका नाम जो है उन्होंने रखा जननाथ मंगलम। क्या रखा, जननाथ मंगलम, ध्यान रखेंगे। और राजराज प्रथम के पुत्र, अब देखिए राजराज प्रथम ने तो इतना काम किया, लेकिन राजराज प्रथम का जो पुत्र था और उसका जो उत्तराधिकारी हुआ राजेंद्र प्रथम, उसने क्या किया, सिंहल विजय का मतलब जो अधूरा काम था उसको पूरा किया, मतलब पूरे सिंहल द्वीप पर ही अपना आधिपत्य जमा लिया, मतलब पूरे को अपने अधिकार में था, श्रीलंका पर पूरी तरह से अपना अधिकार कर लिया। किसने किया, तो देखिए ऑप्शन यहां जो दिया गया है राजराज प्रथम, विजयालय प्रथम, राजेंद्र प्रथम, तो राजराज प्रथम का जो पुत्र और जो उत्तराधिकारी था कौन, राजेंद्र प्रथम, मीन्स ऑप्शन नंबर सी। इसने क्या किया, पूरे श्रीलंका को या पूरे सिंहल द्वीप पर विजय प्राप्त की, तो ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बृहदेश्वर मंदिर किसके द्वारा निर्मित था? तो बृहदेश्वर मंदिर भी जो है चोल राजाओं ने ही निर्मित कराया है, और किसने इसको बनवाया, तो देखिए यहां ऑप्शन दिया गया है विजयालय। विजयालय ने क्या किया, विजयालय तो जो है चोल वंश का संस्थापक माना जाता है, और राजेंद्र, तो राजेंद्र प्रथम के बारे में अभी आपने सुना, और राजेंद्र द्वितीय, और इसके बाद राजराज प्रथम। तो बृहदेश्वर मंदिर को जो है हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, राजराजेश्वर मंदिर, ये भी ध्यान रखेंगे, बृहदेश्वर मंदिर का एक दूसरा नाम है राजराजेश्वर मंदिर, राजराजेश्वर मंदिर, तो ये भी हम इसका याद रखें, दोनों नाम से परीक्षा में पूछा जाता है कभी कभी, राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया और कभी कभी बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया। तो ये है कहां, ये जो है शिव मंदिर है, और ये तंजावुर में है, मीन्स तंजौर में, कहां पर है ये, तंजौर में, जो क्या थी, चोलों की राजधानी थी, यहां पर इन्होंने बृहदेश्वर मंदिर अथवा राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, और किसने करवाया, राजराज से ही पता आपको चल जाएगा कि राजराज प्रथम ने करवाया, राजराजेश्वर से राजराज प्रथम ने करवाया, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और इसमें तमिल स्थापत्य को पूरी तरह से, जो भी तमिल स्थापत्य के अंदर स्थापत्य कला का गुण था वो सब इसमें दिखाया गया, और ये तमिल स्थापत्य कला के लिए सबसे सुंदर स्मारक माना जाता है। तो राजराजेश्वर मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर
कहाँ है? तंजौर में। किसने निर्माण करवाया? राज राज प्रथम ने। ये शासक जो है किस वंश का था? चोल वंश का। तो ये सब ध्यान रखेंगे आप, क्योंकि कभी कभी पूछता है कि किस वंश के शासक ने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, तो आप ध्यान देंगे कि चोल वंश का शासक था राजराज प्रथम। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सुदर्शन झील का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है? सुदर्शन झील किससे संबंधित है, आप इसको समझें। सुदर्शन झील का प्रथम उल्लेख तो जो है वो रुद्रदामन के गिरिनार अभिलेख से मिलता है। रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख बहुत ही प्रसिद्ध है, और रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख से ही हमें सुदर्शन झील का प्रथम उल्लेख प्राप्त होता है। तो गिरनार अभिलेख तो इसके लिए ऑप्शन सही हो जाएगा, लेकिन देख लेते हैं थोड़ा। इसके अनुसार इस झील का जो निर्माण हुआ था वो किसने करवाया? चंद्रगुप्त मौर्य के एक चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के एक प्रांतपति थे जिसका नाम था पुष्यगुप्त वैश्य, इनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। मतलब ये प्रांतपति था, प्रांत का जो है मतलब शासन करता था प्रांत पर, तो प्रांतपति इसको कहा गया। प्रांतपति जो था वो पुष्यगुप्त वैश्य था, इसी ने जो है इस सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में हुआ, किसके द्वारा? पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा। ये भी परीक्षा में पूछा जाता है, इसका निर्माण किसने करवाया? तो आप पुष्पगुप्त वैश्य याद रखेंगे, पुष्पगुप्त वैश्य। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस शासक ने चीन में दो बार व्यापारिक दूत मंडल भेजा? ऑप्शन दिया गया है, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, विजयालय, कुलोत्तुंग प्रथम। तो राजराज प्रथम के बारे में अभी आपने जाना कि राजराज प्रथम ने क्या किया है, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया है, या फिर उसी का दूसरा नाम है राजराजेश्वर मंदिर। राजेंद्र प्रथम कौन है? राजेंद्र प्रथम राजराज का पुत्र है और उसका उत्तराधिकारी है। इसने क्या किया? श्रीलंका पर विजय प्राप्त की, सिंघल द्वीप पर। और विजयालय, विजयालय जो है ये मध्यकाल में चोल वंश के संस्थापक माने जाते हैं। और कुलोत्तुंग प्रथम कौन है? कुलोत्तुंग प्रथम जो है ये चोल चालुक्य वंश के शासक माने जाते हैं। मीन्स जब चोल वंश का अंत हुआ और चालुक्य वंश से इनका संबंध था, तो चालुक्य वंश से संबंधित थे ये विजयादित्य द्वितीय, और उन्हीं का नाम है कुलोत्तुंग प्रथम। कुलोत्तुंग प्रथम के नाम से इन्होंने क्या किया? चोल राज्य की बागडोर संभाली। तो चोल चालुक्य दोनों का तालमेल इसमें रहा है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है कि चोल चालुक्य का, चोल चालुक्य साम्राज्य का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो कुलोत्तुंग प्रथम उस समय आपको ऑप्शन में मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी, कुलोत्तुंग प्रथम। लेकिन यहां देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने चीन में दो बार व्यापारिक दूत मंडल भेजा? तो वो था ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम ने क्या किया? चोल मंडल, चोल साम्राज्य का जो सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था वो राजेंद्र प्रथम ही था। और इसने देखिए क्या किया, पूरे सिंघल पर मीन्स पूरे श्रीलंका पर विजय प्राप्त की। और इसने अपने शासनकाल में दो बार व्यापारिक दूत मंडल चीन भेजा था। किसने? राजेंद्र प्रथम ने। प्रथम दूत मंडल 1016 ईस्वी और द्वितीय दूत मंडल जो भेजा इसने वो 1033 ईस्वी में चीन भेजा था। तो आप ध्यान रखेंगे कि इन्होंने क्या किया, दो बार व्यापारिक दूत मंडल भेजा था चीन। किसने? राजेंद्र प्रथम ने, मीन्स ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुप्त काल में सार्थवाह किसे कहा जाता था? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सार्थवाह, ऑप्शन नंबर ए व्यापारी कारवां प्रमुख, और ऑप्शन नंबर बी है सरकार प्रमुख, ऑप्शन नंबर सी समिति प्रमुख, ऑप्शन नंबर डी श्रेणी प्रमुख। तो गुप्त काल में जो व्यापारी एक स्थान से दूसरे स्थान को माल लेकर जाते थे, तो उस समय ये समूह में चला करते थे, और इसी समूह में चलने को ही इन्हें सार्थ कहा जाता था, इसी समूह को ही सार्थ कहा जाता था। और इनका जो एक नेता होता था जो इनको सुरक्षित ले चलता था,
उसी उसी व्यक्ति को कहा जाता था सार्थवाह। तो गुप्त काल में सार्थवाह कौन था? व्यापारी कारवां का प्रमुख, मीन्स ऑप्शन नंबर ए, व्यापारी कारवां का प्रमुख। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स। किसे आंध्रभोज कहा गया है? आंध्रभोज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है। तो आंध्रभोज किसे कहा गया? देखिए, विजयनगर नरेश, कृष्णदेव राय बहुत ही प्रसिद्ध हैं ये, इनका श्रेष्ठतम युग था, इनके शासन इनका शासन काल जो है वो सबसे ज्यादा श्रेष्ठतम माना जाता है विजयनगर साम्राज्य में। तो विजयनगर पर जो विजयनगर में जो नरेश कृष्णदेव राय का शासन काल था वो 1509 से 1529 था। क्या था? 1509 से 1529 तक। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आप याद भी रखेंगे, कृष्णदेव राय के बारे में। विजयनगर साम्राज्य के ये श्रेष्ठतम शासक थे और इनका युग जो है श्रेष्ठतम युग कहा जाता है। उनका शासन काल जो था उस समय तेलुगु साहित्य का, उस समय को क्या कहा जाता है? तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग माना जाता है। क्यों? क्योंकि इनके दरबार में तेलुगु के 8 महान दिग्गज थे जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता था। और ये जो है क्या करते थे, इनके दरबार में 8 ये जो विद्वान थे इनके दरबार को सुशोभित करते थे और उसे आंध्रभोज भी कहा जाता था। किसे? शासक कृष्णदेव राय को, मीन्स ऑप्शन नंबर डी, शासक कृष्णदेव राय ये जो थे, क्या इन्हीं को आंध्रभोज कहा गया है? ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। गुप्त काल में प्रमुख गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री कौन था? तो गुप्त काल में जो प्रमुख गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे, ऑप्शन है वराहमिहिर, दूसरा ऑप्शन है आर्यभट्ट, तीसरा ऑप्शन है रामानुजाचार्य। तो देखिए, गुप्त काल के जो प्रमुख गणितज्ञ ज्योतिषाचार्यों में थे वो आर्यभट्ट प्रथम, वराहमिहिर, भास्कर प्रथम तथा ब्रह्मगुप्त ये जो है विशेष महत्व रखते थे। मतलब वराहमिहिर, आर्यभट्ट और रामानुजाचार्य जो भी ऑप्शन में आपको दिए गए हैं ए बी सी, ये तीनों जो है विशेष महत्व रखते थे। और आर्यभट्टकालीन प्रमुख जो गणितज्ञ और गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री, यहां बात है गणितज्ञ और खगोल शास्त्री की, तो वो कौन थे? आर्यभट्ट थे। इस काल के ज्योतिर्विदों में इनके विचार, इनके संबंधित इनका इनका जो भी विचार था वो सबसे अधिक वैज्ञानिक था। मतलब इनके विचार को पूर्ण सहमति थी और उनका विश्वास था कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है तथा उसकी छाया चंद्रमा पर पड़ने के कारण क्या होता है? ग्रहण पड़ता है। तो देखिए, ये सारी घटनाएं आज भी सही हैं, इसलिए गुप्त काल के जो प्रमुख गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे वो आर्यभट्ट जी थे। इन्होंने बहुत पहले ही ये सारी चीजें बताई। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौटिल्य के राज्य के सप्तांगों में सम्मिलित नहीं है। तो कौटिल्य के राज्य के सप्तांग मीन्स 7 अंग। अब 7 अंग कौन कौन से थे? सम्राट, आमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, बल तथा मित्र, ये 7 अंग थे। इन सप्तांगों में कौन नहीं शामिल है इनमें से, ये आपको बताना है। तो देखिए, इसमें जो है आपको देखिए, सम्राट मीन्स राजा ये तो है, मित्र भी है और कोष भी है, तो दूत नहीं है बल्कि दुर्ग है। तो ये जो ऑप्शन नंबर डी आपको दिखाई दे रहा है ये इनके सप्तांगों में शामिल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माता कौन है? देखिए, फिर एक क्वेश्चन आ गया आपके, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है मंदिर से संबंधित। विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माता कौन है? तो विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माता है कृष्णदेव राय, जो क्या थे? विजयनगर साम्राज्य के शासक थे और वहां के महानतम शासक थे कृष्णदेव राय। अभी ही आपने इनके बारे में पढ़ा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। सल्तनत काल में गुलाम वंशी शासक संबंधित थे,
सल्तनत काल में जो गुलाम वंशी शासक थे वो किससे संबंधित थे? गजनवी तुर्क से, इलबारी तुर्क से, गोर वंशीय तुर्क से, खिलजी वंशीय तुर्क से। तो जो सल्तनत काल में जो गुलाम वंशी शासक थे, देखिए 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक उत्तरी भारत के कुछ भागों में जिन तुर्की शासकों के शासन इनका जिनका रहा, जिन तुर्की शासकों का, उनमें से थे फारसी इतिहासकारों ने जैसे इनको बताया है, उनमें से थे मुइज्जी, कुतुबी, शमसी और बलवनी। इन वर्गों में इनको फारसी इतिहासकारों ने बांटा, लेकिन तीनों राजवंशों के संस्थापक गुलाम थे। और मतलब जो आपको ये तीन बताए जा रहे हैं, मुइज्जी, कुतुबी, शमसी और बलवनी, इनके ये तीन जो राजवंश थे, तीन राजवंश के संस्थापक गुलाम थे। परंतु इनमें से पहले दो जो थे, कौन कौन, मुइज्जी और कुतुबी, इनके ये जो है दासता से मुक्त कर दिए गए थे, मतलब ये दास नहीं माने जाते थे। साथ ही ये सब शासक इलबारी तुर्क के भी नहीं थे, मतलब इलबारी तुर्क के थे लेकिन सब नहीं थे। और शमसुद्दीन इल्तुतमिश जो था वो इलबारी तुर्क था किंतु ऐबक नहीं था। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि ऐबक जो है क्या था, इलबारी तुर्क नहीं था। शमसुद्दीन जो इल्तुतमिश था वो क्या था, इलबारी तुर्क था। बलवन स्वयं को जो है इलबारी तुर्क कहलाता था, बलवन जो है स्वयं को अपने आप को इलबारी तुर्क कहता था। लेकिन इसके जो उस समय जो दरबारी जो इतिहासकार थे मिनहाज, उन्होंने जो तथ्य प्रस्तुत किए हैं उससे ये नहीं क्लियर होता है कि ये इलबारी तुर्क रहा होगा। लेकिन यहाँ जो हमारा क्वेश्चन है, सल्तनत काल में गुलाम वंशी शासक संबंधित थे तो ये थे इलबारी तुर्क से ही संबंधित। तो ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन होगा जो यहाँ दिया गया है आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित का कालक्रम क्या है, हल्दीघाटी युद्ध, बैरम खां का पतन, असीरगढ़ विजय है, ये यहां पर नहीं है, इसको नोट कर लेंगे, असीरगढ़ विजय और अबुल फजल की हत्या। तो देखिए इनके आपको अगर डेट याद रहेंगे, सन याद रहेगा तो आप आसानी से काम कर पाएंगे। जैसे सबसे पहले अब इन चारों में जो है बैरम खां का पतन देखा जाए तो हुआ था 1560 में, 1560 में। और हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ था, 1576 में। तो आप ऐसे इनके अगर आपको याद रहेंगे समयकाल तो आप आसानी से कर लेंगे। और असीरगढ़ विजय कब हुआ है तो 1600 में हुआ। और इसके बाद अबुल फजल की जो हत्या हुई है वो हुई है 1602, सब ईस्वी में है ये। तो आप ध्यान दें जो इनका क्रम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 1560, 1576, 1600 और 1602। इसका मतलब 2, 1, 3, 4 ये होना चाहिए। चलिए देखते हैं, 2, 1, 3, 4 मीन्स ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, आरपी त्रिपाठी के अनुसार लोधी शासकों का राजत्व सिद्धांत आधारित था, किस पर आधारित था, समानता के आधार पर, संघवाद पर, भाईचारे पर, उपरोक्त सभी। तो देखिए आरपी त्रिपाठी महोदय के अनुसार लोधी शासकों का जो राजत्व सिद्धांत था वो था समानता के आधार पर। और कैसे था, अफगान सरदार जो थे, अफगान सरदार सुल्तान को अपने से ही मतलब एक अपने के ही बीच का एक बड़ा सरदार मानते थे, वे सुल्तान में देवत्व का अंश कतई नहीं मानते थे, मतलब इसको मानने के लिए वे तत्पर ही नहीं थे, बिल्कुल नहीं मानते थे। और इस प्रकार अफगानों का जो राजस्व सिद्धांत था वो सरदारों की समानता पर आधारित था। मीन्स वो ये समझते थे कि अफगान सरदार जो थे वो समझते थे कि हमारे ही बीच का ये एक बड़ा सरदार है जो सुल्तान बना है, समझ रहे हैं। तो इसके कारण जो है ये क्या था, समानता के आधार पर जो आधारित था राजत्व सिद्धांत, वो समानता के आधार पर था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित को काल क्रमानुसार लिखिए। यहां भी कालक्रम की बात है। कालक्रम के लिए आपको क्या है कि इनकी अगर समय काल इनका याद है तो आप आसानी से इनको कर लेंगे। जैसे यहां बात है इल्तुतमिश, बलवन,
बलवन इल्तुतमिश और मोहम्मद तुगलक अलाउद्दीन। तो देखिए बलवन का जो समय रहा है वो 1265 से 1287 का समय, 1265 से 1287 का समय, और इल्तुतमिश का 1211 से 1236 ईस्वी, 1211 से 1236। और मोहम्मद बिन तुगलक जो है ये 1325 से 1351, 1325 से 1351। और अब बचे अलाउद्दीन, तो अलाउद्दीन खिलजी का 1296 से 1316, 1296 से 1316। तो अब आप ध्यान दें ये इनका जब काल रहा है तो इसके अकॉर्डिंग इनके काल क्रमानुसार हम इनको अगर रखेंगे तो कैसे रखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम देख लें, थोड़ा सा ऑप्शन भी जो है उनको भी देखते रहिए तो आपको आसान रहेगा। देखिए हमारा जो ऑप्शन है और ऑप्शन अब देखेंगे इसके अकॉर्डिंग जो हमने अभी लिखा है यहां इनका समय काल, तो इल्तुतमिश देखिए 1211 है सबसे पहला, यही है ना, तो इल्तुतमिश सबसे पहले, तो मीन्स 3 सबसे पहले। और इसके बाद का जो शासन काल रहा है वो रहा है बलवन का, मीन्स तीसरा पहला, और उसके बाद फिर 1296 और फिर 1325, मीन्स 4 और 2। तो इस हिसाब से 3142 मीन्स ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन होगा, समझ गए होंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, विनय पत्रिका किसकी कृति है। देखिए ये जो है आपका हिस्ट्री के साथ साथ हिंदी में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी का भी। विनय पत्रिका किसकी कृति है, तो विनय पत्रिका आपको याद रखना है किसकी कृति है, तुलसीदास की, ऑप्शन नंबर सी तुलसीदास। आगे बढ़ते हैं, इस्लाम की राजधानी से भेजे गए लाल वस्त्र आभूषण एवं उपहार को सुल्तान उसके पुत्रों तथा अमीरों ने स्वीकार किया, इस कथन में वस्त्र एवं उपहार प्राप्त करने वाला शासक कौन था, यह आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले जो वास्तविक सुल्तान की उपाधि मिली वो इल्तुतमिश को मिली, कौन, इल्तुतमिश। और यहां जो आपको क्वेश्चन में जो बताया जा रहा है इस्लाम की राजधानी, तो इस्लाम की राजधानी का जो मतलब है वो है बगदाद से, इसको भी थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, बगदाद, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है कि उस समय सुल्तानों के समय या इल्तुतमिश के समय या इस्लाम की राजधानी से किसका मतलब था या इस्लाम की राजधानी किसे समझा जाता था। तो आप ध्यान देंगे बगदाद को इस्लाम की राजधानी कहा जाता था, यहां से भेजा गया था क्या, मतलब ये जो सुल्तान इल्तुतमिश थे इन्हीं के संदर्भ में ये बात है, और इल्तुतमिश ने बगदाद के जो खलीफा थे उनसे सुल्तान पद की स्वीकृति की प्रार्थना की थी, और फरवरी 1229 में खलीफा प्रतिनिधि एक स्वीकृत पत्र को लेकर दिल्ली पहुंचे, और इसका जो उल्लेख है वो नासिरुद्दीन महमूद के समय के इतिहासकार मिन्हाज उद सिराज जो थे उन्होंने अपनी पुस्तक में, उनकी पुस्तक क्या थी ये भी याद रखें, तबकाते नाशरी में इन्होंने किया है। तो ये जो मामला था ये इल्तुतमिश से संबंधित है, और इस्लाम की राजधानी कहा गया बगदाद को, वहां से जो ये लाल वस्त्र आभूषण और उपहार को जो सुल्तान को जो उसके पुत्रों और अमीरों ने जो स्वीकार किया इनके लिए जो भेजा गया था वो सुल्तान थे इल्तुतमिश, और इन्हीं को ही वहां से स्वीकृति मिली थी सुल्तान की। तो सही सुल्तान अगर देखा जाए तो यही प्रथम सुल्तान है इल्तुतमिश जिन्हें खलीफा के द्वारा स्वीकृति मिली थी, तो ऑप्शन नंबर बी इन्होंने ही उपहार को स्वीकार किया था इल्तुतमिश ने, इक्ता प्रथा को भी इन्होंने चलाया था इल्तुतमिश ने, इक्ता प्रथा से संबंधित जब प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में तो उसको चलाने वाले कौन है, इल्तुतमिश। चलिए आज आपने देखा रोज की तरह 15 क्वेश्चन आज भी देख लिया,
और ये जो सारे क्वेश्चन हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, परीक्षाओं में बार बार ये पूछे जाते हैं, परीक्षाओं में ये पूछे गए प्रश्न हैं। ऐसा नहीं कि प्रश्न मैंने आपको सॉल्व करवा दिया और पता नहीं कहाँ से लिए गए, परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप चाहे पीजीटी की बुक देखें, चाहे टीजीटी की देखें, या यूपी पीसीएस की प्री की बुक देखें, आप कोई सी बुक देखेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपको उनमें मिलेंगे। जो और उनके पुराने पेपर को देखेंगे उठाकर तो उनमें आपको मिलेंगे कि ये कई बार आए हुए हैं। तो अगर ये मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आपको पसंद आता है तो अपने मित्रों को भी इसे शेयर करें और उनको भी इसका लाभ मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।